वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। हमने आपको बताया था कि आयोटा क्या होता है, उसकी नीड क्यों होती है, आयोटा इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, उसकी वैल्यू बताई थी मैंने। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देख लिया है। अब तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा, प्लीज आप उस लेक्चर को देखेंगे। तो नाउ वी हैव लेक्चर नंबर 2, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम नाम चेंज कर सकते हैं, a और b की जगह पे x और y भी लिख सकते हैं, जो x y जहां a b ये आपके क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, फिर हमको पता है कि आयोटा होता है अंडर रूट माइनस 1। यहां तक हमने इसको डिफाइन किया था लेक्चर नंबर 1 में, इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 होती है। तो अगर मैं बोलूं Scaring both sides, यहां पे स्केयर किया बच्चों और यहां भी स्केयर किया। हम जानते हैं अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, माइनस 1 की पावर 1/2, और दोनों का स्केयर है। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव लेफ्ट विद आयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों, जैसा कि बताया गया कि आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 होती है, हम इसकी वैल्यू यूज नहीं करते। हम यूज करते हैं आयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों, हमने इसको स्केयर किया दोनों तरफ, अंडर रूट हटाया, उसकी जगह पे 1/2 लिखा, ये पावर 2 है, पावर्स मल्टीप्लाई हुई, तो वी हैव लेफ्ट विद आयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस 1। CTM, कमिट टू मेमोरी, हमें ये याद रखना है। कमिट टू मेमोरी मीन ये आपको याद रखना है, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 होती है। हम आयोटा स्केयर को माइनस 1 बेस रखकर, स्टैंडर्ड वैल्यू रखकर बाकी आयोटा की पावर्स निकालनी आपको आज सिखाएंगे। तो याद कर लीजिए, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1। तो आज हम सीखेंगे पावर्स ऑफ आयोटा। तो बच्चों, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। सपोज करो हमें आयोटा की क्यूब चाहिए, तो वी कैन राइट आयोटा क्यूब इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो आयोटा क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आयोटा स्क्वायर, ये वाला आयोटा, इसकी पावर 1। तो हमने आयोटा क्यूब को इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हमें यूज करनी होती है। इनटू आयोटा की पावर 1 सिंपली आप आयोटा भी लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा। तो बच्चों, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि माइनस आयोटा को अगर आप ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दोगे तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो माइनस आयोटा को क्या ए प्लस बी आयोटा में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस आयोटा इज रिटन एज 0 प्लस माइनस 1 इनटू आयोटा। क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फिर से माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये ए प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन जाएगी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए जो है, जिसे आपको बताया गया था, रियल पार्ट होता है, और बी इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बच्चों, रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज बी, कंपेयर करिए माइनस 1। तो आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो, याद करिए, आपको बताया था ये,
अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, तो इसकी वैल्यू में रियल पार्ट दैट इज ए जीरो है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ये आपको लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। वी हैव आयोटा रेज टू पावर 4, तो बच्चों आयोटा की 4 स्टैंड्स फॉर, आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे इन दोनों को इकट्ठे करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, रीजन सभी को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 × -1 इट कम्स टू बी 1। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दैट इज ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बच्चे 1 को लिखा 1 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 × something 0, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप चेक करेंगे कि ए की वैल्यू बच्चे 1 है जो आयोटा के साथ लगाए, बी की वैल्यू 0 है। तो याद करिए लास्ट लेक्चर में बताया था अगर बी 0 हो, अगर बी 0 हो, बी 0 हो उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ए को बोलते हैं रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट 0 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, अगर इमेजिनरी पार्ट बी 0 हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। तो आयोटा की पावर 4 इज 1, इट इज प्योरली रियल। बच्चे हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते करते कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो आयोटा की पावर 4 भी हमें निकालनी आ गई, तो हम कोई भी ऐसे आयोटा की पावर निकाल सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं, तो बच्चे आयोटा की पावर 4, आयोटा को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, दिस इज अगेन आयोटा स्क्वायर, दिस इज आयोटा। हम आयोटा स्क्वायर को बच्चे बेस बनाकर इसकी वैल्यू -1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई आयोटा, इट अगेन कम्स टू बी आयोटा। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो देखिए आपका ए 0 है, कंपेयर करेंगे बी कौन है आयोटा का कोफिशिएंट। चलिए आगे चलते हैं आयोटा की पावर 6, तो बच्चे आयोटा स्क्वायर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 + 2 + 2 = 6, वी कैन राइट आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों इसको और सिंपलीफाई करना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर को बेस बनाते हैं, इसकी वैल्यू -1 लिखते हैं, तो -1 की पावर 3, क्योंकि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 की पावर ओड नंबर इज ऑलवेज -1, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए ए रियल पार्ट होता है जिसके पास आयोटा नहीं होता, तो बी 0 आयोटा लिख सकते हैं, ए कौन है -1 and b is 0, I hope clear है सबको। तो बच्चे ऐसे आप आयोटा की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर भी आप निकाल सकते हैं, आपको हेल्प भी इसलिए लेनी है आयोटा स्क्वायर की। तो चलिए हम आयोटा की कोई बड़ी पावर सॉल्व करते हैं, लाइक आयोटा की पावर 14, तो बच्चे यहाँ पे हमेशा आपको आयोटा स्क्वायर लिख देना है, और आप देखेंगे यहाँ पे 2 के टेबल पे जब 2 को 14 से डिवाइड किया जाएगा 2 × 7 = 14, तो 14 को आप लिख सकते हैं 2 × 7, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम कभी भी -1 लिख सकते हैं, तो -1 की पावर ओड नंबर इज -1, दिस इज आवर आंसर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट ए, बी नहीं है तो 0 आयोटा लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो चलिए आयोटा की पावर 19 निकालते हैं, कोई भी आप आयोटा की पावर निकाल सकते हैं,
योटा की पावर 19। तो आपको आयोटा स्केयर लिखना है स्टडी में, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू बेस बनाएंगे, इसकी हेल्प लेंगे। तो 2 को 19 से आप डिवाइड करेंगे, 29 का 18 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो बच्चों 19 की वैल्यू, डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन होती है प्लस रिमाइंडर होती है। पिछले केस में रिमाइंडर 0 था, तो 19 को 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9 18, 2 मल्टीप्लाई 9 18। अयोटा की 19 को आप अयोटा की 18 मल्टीप्लाई अयोटा की 1 लिख सकते हैं। तो बच्चे हमने 18 पावर्स यूज कर ली मल्टीप्लाई अयोटा की 1। तो हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इज -1 रेज्ड टू पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। तो 1 पावर 1 चाहे लिखेंगे चाहे ना लिखो, एक ही बात है, -1 की पावर ओल्ड नंबर इज -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इनटू 1 आयोटा साथ में -1, दिस इज आवर आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, आप इसको पॉज करेंगे, लाइक वीडियो को नोट करेंगे सब कुछ, ओके। तो सपोज करो अब हमें आयोटा की पावर नेगेटिव निकालनी है, तो जुड़ी नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर ही हो, नेगेटिव पावर भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो बच्चे नेगेटिव पावर अगर आपके पास है तो आपने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेना है। हम जानते हैं जैसे ही रेसिप्रोकल लिया जाता है तो एक्सपोनेंट का पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर देखा, पॉजिटिव बनाने के लिए हमने रेसिप्रोकल लिया तो पावर पॉजिटिव बन गई। अभी आपने 19 पावर को सॉल्व किया लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 लिखना ही लिखना है, 2 9 18 पावर होगी। देखिए अयोटा की 19 आप ऐसे लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई अयोटा, बच्चों 1 बाय अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है मल्टीप्लाई अयोटा। तो -1 को अगर ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ओड पावर होगी तो -1, तो इट कम्स टू बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा इनटू 1 अयोटा साथ में, बच्चे जो माइनस होगा तो माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। तो याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए प्लस बी अयोटा, वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अयोटा का कोफिशियंट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो ये अयोटा से इंडिपेंडेंट होता है अयोटा के बगैर होता है इसे रियल पार्ट बोलते हैं। तो देखिए लेकिन हमारा जो अयोटा की पावर -19 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, रीजन क्योंकि डिनोमिनेटर में अयोटा है। कभी भी डिनोमिनेटर में आपने अयोटा अगर देख लिया, जब हम अयोटा डिनोमिनेटर में पाएंगे तो हमें वो अयोटा खत्म करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। वंस मोर हमने बच्चे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लिया, 19 पावर को सोल्व पिछले क्वेश्चन में जैसे किया वैसे यहाँ पे किया, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस अयोटा माइनस ऊपर ले गए। लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में आप अयोटा देखोगे सिंपली अयोटा, आपने अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, अयोटा से डिवाइड, रीजन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचना है। तो डिनोमिनेटर में अयोटा देखा, न्यूमिनेटर में अयोटा से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में अयोटा, तो बच्चे दोनों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। हम जानते हैं अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये दोनों कैंसिल हो गए, अयोटा बाय 1 इज अयोटा, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस बी अयोटा, ठीक है ना बच्चे। तो 1 अयोटा को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए कोई और बड़ी पावर को सोल्व करते हैं, लाइक सपोज कर लो हमें अयोटा की पावर, मान लो मुझे 297 सोल्व करना है। हमेशा आपने स्टार्ट करना है अयोटा की 2 से, फिर 2 को 297 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 4 8 2 8 16 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो बच्चे 297 को आप लिख सकते हैं डिविडेंड को डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चे 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 148 से, तो कितना बन गया, 296 बन गया। तो 297 को आप कैसे लिखते हैं, अयोटा की 297 को
296 into iota की मान, bases are same, powers are added. तो इन दोनों को multiply किया, iota की 296 बन गई, multiply iota की power 1. तो बच्चों, जैसा कि आपको बार बार बताया गया कि आपने iota square को minus 1 लेना है, इसकी power 148. तो power 1 है, तो minus 1 की power even number हो, तो वो 1 बन जाता है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ गया, जिसे आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. a इज 0 एंड b इज 1, यहां भी छोड़ सकते हैं. तो इन दिस वे नाउ यू आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग एनी पावर ऑफ आयोटा. अब आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है इन तरह के क्वेश्चंस की. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.